एक प्याली बटर अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लें बटर को। दो पैकेट बीट सेवियों के लें और उसको अच्छी तरह पैश कर लें ऐसे हाथ की मदद से ऐसे ऐसे और बटर में डाल। ये 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करके इसको आप छोड़ दें। अब हम अगली तरफ डालते हैं। अब हम शीरा तैयार करते हैं। तकरीबन 1 कप पानी, 1 प्याली चीनी इस पर डाल दें। इसको चीनी को अच्छा सा मेल्ट कर लें। अच्छा सा इसका जोश आ गया है ये देखिए। अब इसमें हम 1 अदद ना लेमन डाल देते हैं ताकि ये चीनी उसकी साथ नीचे लगे। ये बस अब ये तैयार है। 1 किलो दूध है, दूध में से ही मैंने 1 कप निकाल लिया था। उसमें हम 2 स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छा इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छा सा ये गाढ़ा पैटर्न का तैयार हो। 1 अदद चम्मच चीनी का पीसी हुई चीनी, हाँ इसे अच्छा सा मिक्स हो जाए। 1 प्याली फ्रेश क्रीम आस्ता आस्ता करके इसमें डाल दें। इसमें ना 1 अदद चीनी का ना 1 चम्मच और डाल दें। तब मैंने देखा इसमें चीनी कम है। ये देखें आस्ता आस्ता इसको चम्मच चलाए चलाती जा रही है। सोचा रुकना नहीं है कि अब गाढ़ा होने शुरू हो गया। ये देखिए इसको मसलसल चम्मच चलाते रहें चलाते रहें तो ये देखें अब ये अब गाढ़ा हो गया। अब इसको उतार देते हैं। अब ये ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये मेरे पास केक का था सांचा, ये मैं प्लेट में लगा के तैयार कर लूँ। अच्छा सा इसको ना प्रेस कर लेते हैं ग्लास की मदद से। देखिए अच्छा रहा इसको मैंने ग्लास की मदद से प्रेस कर लिया। और से हम डालते हैं थोड़ा सा शीरा। ये आप देखिए बैटर ठंडा हो गया। थोड़ा थोड़ा सा भी है थोड़ा सा लेकिन वो फ्रिज में रखेंगे तो ये दोबारा दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। पैकेट सेवियों को मैंने आपको बताया थे लेकिन ना 2 कम थे तो एक मैंने फिर दोबारा से ना उसको फ्राई किया है पैकेट को। एक पैकेट और
आपने 3 पैकेट ही इस्तेमाल करने। मैंने तो कहा था कम हो जाएगा लेकिन कम पड़ गया। ये अब मैंने पूरी डाल दी है इसके अंदर सेमियाँ, तो अब हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर लें। तीन से चार से फ्रिज में रखी ठंडा करने के लिए जी। नापा तैयार, أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. अगर आपको हमारे से वीडियो लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।